तो हेलो गाइज और मेरे चैनल वालों, क्या हाल है सबके। आज की वाली वीडियो में आप लोगों के लिए है अमेजोन की डील्स की वीडियो। आपकी अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाली जो आपकी सेल है, सबसे बड़ी वाली सेल, वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में आप लोगों को गेमिंग की ए टू जेड डील्स देखने को मिल जाएगी, तो आप लोगों को और वीडियोज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो है स्टार्ट हो चुकी है, बट आप लोगों को दिख रहा होगा कि 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। बट मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, अमेजोन प्राइम लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अफिलियट लिंक मिल जाएगी, सारी की सारी जो लिंक्स होंगी मेरी अफिलियट लिंक होगी, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है। एंड ये आपको अमेजोन की प्राइम की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको एक महीने का फ्री देखने को मिल जाएगा ट्रायल वर्जन, तो आप लोग वो ट्राई आउट कर सकते हो। एंड आपको ये जो प्राइम मेंबरशिप है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए नहीं लेना है, आपको मेरी लास्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी, आपको अमेजोन प्राइम गेमिंग के ऊपर एक फ्री गेम मिल रही है, वो भी बहुत ही बढ़िया गेम, ट्रिपल ए टाइटल, तो वो आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। अच्छा, तो अगर आप लोगों ने अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप ले रखी है, तो आप लोगों को ये जो सेल है आज से 7th तारीख से आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउस की डील्स के ऊपर। बहुत सारे लोग मेरे से माउस के बारे में पूछते हैं, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको मैं एक वायर्ड माउस रेकमेंड करूंगा, कॉस्मोबाइट का क्लिनोवा 3325 IC, बढ़िया एक माउस है ये, वायर्ड माउस है, लाइट वेट है, तो ये चीज आप लोग देख सकते हो। मुझे थोड़ा सा ये माउस सही लगता है, 1350 रुपीज का अगर आप लोगों का बजट है तो। एंड जो आपको जो नेक्स्ट माउस है वो इससे भी ज्यादा सस्ता माउस है, बढ़िया माउस है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है कॉर्सर का कतर प्रो, आपका कतर प्रो जो है आपको 1100 रुपीज का देखने को मिल जाएगा, मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्राइस है, तो इसको जरूर से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आपका जो नेक्स्ट माउस है ये एक वायरलेस माउस है, आपका रेजर का ओरोची V2, ये भी 3000 रुपीज का है, मैं बोलूंगा बढ़िया माउस है। मैं यूजुअली इस प्राइस रेंज के अराउंड में मैं आपको कॉर्सर कतर प्रो वायरलेस रेकमेंड करता हूं, बट यहां पे ये 3000 रुपीज का मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा ये एक बढ़िया माउस है। हाँ, थोड़ा सा छोटा माउस मैं इसको बोलूंगा, बट बढ़िया माउस है, जरूर से इस माउस को चेकआउट कर सकते हो, रेजर का ओरोची V2। जो नेक्स्ट माउस है ये भी एक वायरलेस माउस है, कॉस्मोबाइट की तरफ से आता है, कॉस्मोबाइट का क्लिनोवा 3335 IC करके वायरलेस माउस है ये। एंड आपके जो कॉस्मोबाइट के जो माउस आते हैं, इनके अंदर ऑप्शन आता है कि आप लोग फुल कवर लगा सकते हो या तो आप हनीकॉम मैश लगा सकते हो। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बना रखी है, इसके ऊपर नहीं, इसका बड़ा वाला मॉडल के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो, मैंने वीडियो बना रखी है। जो आपको जो नेक्स्ट माउस है ये हाइपर एक्स की तरफ से आने वाला है, मैं बोलूंगा बढ़िया माउस है, 3600 रुपीज का देखने को मिलेगा, हाइपर एक्स का पल्स फायर हेस 2। ये आपका एक यूएसबी माउस है, इसका एक वायरलेस वर्जन भी आता है, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में 6000 रुपीज का। अगर आप लोगों को ये चीज पसंद आती है तो हाइपर एक्स के माउस जरूर से चेकआउट कर सकते हो, मैं बोलूंगा बढ़िया माउस में से एक आते हैं। आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है ये आपकी कीबोर्ड की कैटेगरी होने वाली है, एंड कीबोर्ड में मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कीबोर्ड है, मतलब तीन ही कीबोर्ड की इस बार रिकमेंडेशन डील है ये, बट तीनों के तीनों बहुत सही कीबोर्ड है। आपकी कॉस्मोबाइट का CBGK 33 Astra है ये, एंड ये हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड है, मेरे ओपिनियन में बढ़िया कीबोर्ड है ये। इसकी जो प्राइसिंग है वो यूजुअली 5000 से लेकर 6000 के बीच में रहती है, बट अब ये 4000 रुपीज का आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि हॉट स्वैपेबल कीज है, तो आप इसके कीज को निकाल सकते हो, एंड आपके साथ इसको एक वॉल्यूम का नॉब भी देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑफर आ जाता है 4000 रुपीज में, मैं बोलूंगा सही प्राइस है, इसकी जरूर से चेकआउट कर सकते हो। जो नेक्स्ट कीबोर्ड है वो इसी का छोटा भाई है, CBGK 34 Firefly हॉट स्वैपेबल, ये भी हॉट स्वैपेबल कीज है, तो ये कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा 2400 रुपीज का, बढ़िया प्राइसिंग है, इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो कीबोर्ड है, एंड आपका जो नेक्स्ट कीबोर्ड है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में चले जाता है, ये आपका रेजर का ब्लैक विडो V3, ये भी आपका 10 keyless कीबोर्ड है। अगर किसी को यार ब्रांडेड कीबोर्ड चाहिए, जैसे कि बार रेजर वेजर की जो आपका सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर वो एक ही रहता है, तो थोड़ा सा मतलब इकोसिस्टम सा बनाने के लिए अगर आप लोगों को रेजर का कीबोर्ड भी चाहिए, तो ये 5000 रुपीज का देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, बट 5000 रुपीज में एक बढ़िया कीबोर्ड जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, यूजुअली मैं इस कैटेगरी को रेकमेंड नहीं करता हूं, बट अभी इस कैटेगरी के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेल आ रही है, ये है रैम्स। आपकी जब मैं सबसे पहली रैम की बात करूं, ये है आपकी कॉर्सर वेंजेंस LPX की DDR4 वाली रैम है, 8GB की एक स्टिक आएगी, 1800 रुपीज की देखने को मिलेगी। मैं यही वाली रैम स्टिक यूज कर रहा हूँ आज से कुछ साल पहले, मैंने इसको 3000 रुपए का या प्लस में कुछ खरीदा था मैंने इसको, भाई बहुत ज्यादा सस्ती में आ रही है ये रैम्स, तो जरूर से इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड आपकी जो नेक्स्ट रैम की जो डील है ये है कॉर्सर वेंजेंस की RGB, ये भी आपको 16GB की देखने को मिलेगी, ये 3500 रुपीज की है, ये 3100 की है, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देकर के रैम ले रहे हो तो DDR4 में RGB ले सकते हो, ये बढ़िया रैम है, जरूर से इसे चेकआउट कर सकते हो। ये तीन रैम है, लेटेस्ट DDR5 वाली मैंने रैम अभी तक चेकआउट नहीं करी है, अगर मेरे को कोई डील मिलती है तो जरूर से मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। तो भाइयों, जो नेक्स्ट कैटेगरी होने वाली है ये सबसे बड़ी कैटेगरी होने वाली, क्योंकि मेरे को ऑडियो प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है,
तो मैंने बहुत सारे हेडफोन्स रेकमेंड करे हैं। तो पहला जो आपको जो हेडफोन जो मैं रेकमेंड करूंगा ये है बोट का इमोटल 1000D। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर कोई भी सेल नहीं है 2400 रुपीज़ का। मैं इसको 2400 रुपीज़ में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर ये हेडफोन्स आपको 1200 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाता है 1200 रुपये, इसलिए मैं इसको सिर्फ मैं इसलिए रख रहा हूँ कि अगर आपको ये हेडफोन्स 1200 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है, 2400 रुपीज़ में सही नहीं है, 1200 रुपये में ये आता रहता है सेल के ऊपर, तो जरूर से इसके ऊपर आँख बना के रखना अगर आप लोगों को ये वाला हेडफोन चाहिए। तो मैं और भी हेडफोन्स रेकमेंड कर सकता था, बट आजकल के जो लाइट वेट और ट्रेंडी लुक है ये, तो मैं इसको इजीली रेकमेंड कर सकता हूँ। जो नेक्स्ट हेडफोन है ये है बोट का ही इमोटल IM200। ये आपका थोड़ा 7.1 वाले थोड़ा फीचर देता है, बट वो गिमिकी है मेरे ओपिनियन में तो, बट इसका जो लुक एंड फील है वो थोड़ा फील अच्छा करवाएगा एंड कूल भी, इसका लुक भी कूल है, तो इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं पसंद है तो आप पिछली वाला ले सकते हो अगर आपको 1200 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है तो, बट यस ये भी अच्छा एक ऑफर है, तो इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो जो आपके जो नेक्स्ट हेडफोन्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो एक वायरलेस हेडफोन्स है, वो भी बोट की तरफ से आते हैं, बोट के IM 1300। ये आपको 3500 रुपीज़ का देखने को मिलेंगे। ये मैं रेकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वायरलेस हेडफोन्स है, इसके अंदर आपको एक डोंगल मिल जाएगा टाइप सी वाला, उससे आप लोग इसको यूज कर सकते हो एंड साथ ही में ब्लूटूथ भी है एंड इसका जो माइक है वो डिटैचेबल है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है, 3500 रुपीज़ में एक बढ़िया ऑप्शन है। वायरलेस हेडफोन्स मैं रेकमेंड करूँगा, वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, बढ़िया हेडफोन्स लगते हैं मेरे को। ये आपको देखने को मिलेंगे 7000 रुपीज़ के, लॉजिटेक के 4G435। बट अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखोगे इसके अंदर आपको एक कूपन देखने को मिलेगा, अप्लाई 50% ऑफ का कूपन, तो आपके जो ये हेडफोन्स है अराउंड 3500 रुपीज़ की देखने को मिलेंगे। एक ही स्टॉक दिख रहा है मेरे को, लेफ्ट वन स्टॉक लेफ्ट है शायद से मुझे दिख रहा है या सभी के लिए होगा, तो जरूर से चेकआउट कर सकते हो 3500 रुपीज़ में, भाई बहुत ही बढ़िया डील है ये। एंड आपके जो नेक्स्ट जो मैं हेडफोन्स रेकमेंड करूंगा ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं वायर्ड के अंदर, ये है आपके हाइपर एक्स क्लाउड कोर, और ये हेडफोन्स आपको मिल रहे हैं अभी 4290 रुपीज़ के, जरूर से चेकआउट कर सकते हो, बहुत कम्फी फीलिंग है इसके, कुशन सब कुछ बढ़िया है। जो आपके जो नेक्स्ट हेडफोन्स हैं वो इसी के बड़े भाई हैं, क्या कहते हैं, हाइपर एक्स क्लाउड 2। ये भाई 8000 के या 9000 रुपए के देखने को मिलते हैं, बट इस सेल के अंदर ये 6000 रुपीज़ के देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी को भाई बढ़िया कॉम्पिटिटिव गेमिंग एंड बढ़िया इमर्सिव फील चाहिए ना, तो इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बट आई नो ये हर किसी के लिए हेडफोन्स नहीं है, हर कोई 6-7 हज़ार रुपये के हेडफोन्स नहीं लेता है, बट ये 6000 रुपीज़ में एक बढ़िया ऑप्शन है। एंड देखो अब मुझे पता, कुछ लोग बोलोगे यार मेरे को गेमिंग हेडफोन्स नहीं चाहिए, मुझे ऑडियो फाइल हेडफोन्स चाहिए, मुझे ऑडियो चाहिए अच्छे वाले, तो मैं आपको ईजिली रिकमेंड कर सकता हूँ AKG के K92। बढ़िया हेडफोन्स है ये, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं ये हैं वो है, बट इसकी ऑडियो बिल्कुल बैलेंस्ड है, बढ़िया है, 3000 रुपीज़ की आपको देखने को मिलेगी, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। इसकी जो केबल है वो भी बहुत लंबी आती है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बस गेमिंग हेडफोन्स नहीं है तो इसके अंदर आपको माइक देखने को नहीं मिलेगा, बट यस 3000 रुपीज़ में बढ़िया है। अगर मैं बोलूँ कि यार हेडफोन्स नहीं चाहिए, कुछ लाइट वेट चाहिए, तो मैं ईयरफोन्स रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ आजकल, तो ये आपके रियलमी वाले हैं, बट मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको रेकमेंड करूँगा JBL के C200SI, 750 रुपीज़ देखने को मिलेंगे एंड इसकी ऑडियो क्वालिटी बढ़िया है। मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा था, लास्ट ईयरफोन्स ये खरीदने से पहले मैंने लास्ट यही JBL के ही यूज़ किए थे, बढ़िया ईयरफोन्स है ये 750 रुपीज़ में, ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में अगर आप लोगों को लगता है यार इसकी जो वायर है वो बहुत छोटी है, तो मैं बोलूँगा कि आप एक्सटेंशन केबल भी ले सकते हो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये कुछ एक्सटेंशन केबल है, मैंने गोल गोल करके रखी हुई है, तो बढ़िया रहती है इसकी जो हेडफोन्स की और ईयरफोन्स की जो केबल है लंबी हो जाती है। देखो भाई ये गेमिंग डील है, और मैं आपको एक कंट्रोलर रेकमेंड ना करूं, मैं बोलूंगा कंट्रोलर आप लोग यूज कर सकते हो। मैं कुछ टाइम से कंट्रोलर में ही गेम खेलने की पूरी प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मेरे को थोड़ा बहुत हाथ भी बैठ चुका है। अगर आप लोगों को कंफीनेस में गेम खेलना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा भाई ये कॉजिंगबैड का एरीज वायरलेस वाले कंट्रोलर है, इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो, 1500 रुपीज़ की देखने को मिलेगी। आई नो कुछ लोग बोलेंगे भाई ये RGB वाला, जो RGB नहीं मतलब ये LED वाला जो सिस्टम है उन लोगों को पसंद नहीं है, बट आप इसको बंद कर सकते हो, तो ये एक बढ़िया कंट्रोलर है, तो जरूर से चेकआउट करना, 1500 रुपीज़ के हैं यार। इसे सस्ते सस्ते भी आते हैं, फिर वायर्ड में आ जाते हैं, तो वायर्ड आप लोग ले सकते हो, इसी का एक वायर्ड वर्जन भी आता है ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपको 1100 रुपये में देखने को मिल जाएगा, बट मैं आपको वायरलेस रेकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वायरलेस यस है ना। देखो जो नेक्स्ट कंट्रोलर्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, बट वो बढ़िया चीज़ है। पावर ए का तरफ से आता है ये एनहेंस्ड कंट्रोलर, 2700 रुपीज़ की देखने को मिल जाएगी, बढ़िया कंट्रोलर। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इसके पीछे भी बटन है, इसके पीछे भी आपको बटन देखने को मिल जाएंगे एंड टेक्सचर ग्रिप है,
ये एक्सबॉक्स सर्टिफाइड है, तो आप लोग इसको अपने पीसी में जला के यूज कर सकते हो। एंड इसकी जो केबल है बहुत लंबी है, 3 मीटर की केबल इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, तो इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर किसी को चाहिए ना यार एक्सबॉक्स की वाला जो कंट्रोलर ना थोड़ा बड़ा है, इसका छोटा वर्जन भी आता पावर एकर का नैनो, ये 3000 रुपीज का देखने को मिल रहा है। तो इसका अगर प्राइस कम होता तो आप लोग इसको भी देख सकते हो, पावर एकर नैनो। ये छोटा कंट्रोलर है, बट इसके अंदर कोई लाइट वाइट ऐसा कुछ नहीं है, काला कलर का है ये और छोटा कंट्रोलर है, तो आपके हाथ में भी फिट आएगा। ये कॉम्पैक्ट फीलिंग वाला है, ये इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों का मन कर रहा है तो। एंड आपको जो देखो नेक्स्ट जो दो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर का किंग है, पीसी में सबसे अच्छा चलता है इजिली प्लग इन प्ले वाला, प्लग इन प्ले क्या कनेक्ट एंड प्ले वाला सिस्टम जो होता है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका एक्सबॉक्स कंट्रोलर है वो। ये आपको 4800 रुपीज का देखने को मिलेगा, डील पे चल रहा है, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। किंग है ये, पीसी एंड एक्सबॉक्स के लिए कंट्रोलर किंग है ये। अगर भाई किसी को दूसरा कंट्रोलर चाहिए जो कि है PS5 का डुअल सेंस कंट्रोलर, ये आपको 5400 रुपीज का देखने को मिल जाएगा, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में, तो उसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो। दोनों दोनों कंट्रोलर बढ़िया है, मुझे तो भाई दोनों बढ़िया लगते हैं। तो भाई जो नेक्स्ट जो डील आने वाली है, जो सेगमेंट है आपका, वो है SSDs का। एंड मैं बोलूंगा भाई SSDs के ऊपर बहुत तगड़ी तगड़ी रिकमेंडेशंस है, तो जरूर से देख लेना। EVM की 1TB की SSD आ रही है सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपीज की। ये जो डील है ना, ये आपको हार्ड ड्राइव के डील पे मिल रही है, 3500 रुपीज की आपकी 1TB की हार्ड ड्राइव आती है, इसमें आपको SSD देखने को मिल रही है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि यार NVMe वाली या M.2 वाली SSD रेकमेंड करो, ये SATA वाली नहीं चाहिए। बट मैं आपको रेकमेंड, मैं ये जो रेकमेंड कर रहा हूँ ना, एक रीज़न है इसके पीछे, वो जो रीज़न है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बट यस, अगर आप लोगों को लेना है ना, तो ये SATA वाली SSD भी ले सकते हो, बहुत तगड़ी है, ठीक है। इसी का 2TB वर्जन भी आता है, ये 3500 रुपीज का, जिसका 2TB वर्जन है वो 7000 रुपीज का है। सोचो 2TB 7000 रुपीज में, बढ़िया डील है। हाँ मतलब हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया किसी के लिए, 7000 रुपीज ज़्यादा है, तो मैं 1TB जरूर से रेकमेंड करूंगा, ठीक है ना। मतलब मास स्टोरेज के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जरूर से इसको चेकआउट कर सकते हो। जो नेक्स्ट जो आपकी जो डील है, ये आपकी है NVMe के ऊपर है, M.2, ये आपकी 5000 रुपीज की है, 1TB की SSD है NVMe वाली, SN580 ब्लू है ये, जरूर से चेकआउट कर सकते हो 5000 रुपीज की। बट WD की Gen 4 SN770 1TB की है ये, Gen 4 है ये 1TB की, वो भी 6400 रुपीज़ की। इसका प्राइस बढ़ चुका है, सॉरी इसको मैंने देखा था 5800 रुपीज़ में, सिर्फ 800 रुपये ज़्यादा में। अगर आप लोगों को ये 5800 रुपीज़ में वापस देखने को मिलती है, ज़रूर से ले सकते हो, 6400 रुपये में भी बढ़िया है। मैं बोलूँगा इसके लिए आप आँख लगा के बैठ सकते हो, विशलिस्ट में डाल सकते हो, बढ़िया SSD है ये, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। एंड आपकी जो नेक्स्ट SSD होने वाली है, ये है आपकी सैमसंग की 980E, वो ये भी Gen 4 है 1TB की है, 7800 रुपीज़ की आपको देखने को मिल जाएगी इस सेल के ऊपर। तो भाइयों ये SSDs की डील है, बहुत ही बढ़िया है। एंड मैं आपको SSD लेने के लिए क्यों बोल रहा था, तो देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे को एक्सटर्नल SSD चाहिए, मेरे को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव चाहिए। तो अगर आप लोगों को भाई ये SATA वाली चाहिए लेनी है ना, ले लोगे तो आप लोग इसको एक एज आ एक्सटर्नल SSD भी यूज़ कर पाओगे। तो इसके अंदर आप लोग ये SSD यूज एक्सटर्नल वाली SSD यूज़ कर पाओगे, इस एनक्लोजर के अंदर आपको अपनी SSD लगानी है, एंड फिर आपको एज आ USB इसको यूज़ कर सकते हो, फोन में PC में हर जगह लगा सकते हो। फोन में यूज़ करने के लिए आप बोलोगे यार कंट्रोलर अडेप्टर लेना पड़ेगा वो OTG, बट आपको वो भी लेने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों 80 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपको Type-C to Type-C देखने को मिल जाएगा। अगर आपके PC लैपटॉप में Type-C पोर्ट है, फोन में भी Type-C पोर्ट आता है आजकल, तो भाई इसको डायरेक्टली आप लोग यूज़ कर सकते हो अपनी SSDs को, मैं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया है। एंड NVMe के लिए भी आपको देखने को मिलेगी, ऊपर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है वो, ये आपको देखने को मिलेगी ओरिको करके, ये आपकी Type-C to Type-C है, 1300 रुपीज की है M.2 के लिए, NVMe M.2 के लिए। यस आई नो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं SATA वाली रिकमेंड कर रहा था। अगर आप लोगों का बजट कम है तो वहाँ पे आप जा सकते हो, बट यस इसको भी आप एज अ फोन के ड्राइव के लिए, आपके PC के लिए, आप अगर आपके पास टाइप सी है तो इसी का एक M.2 वर्जन भी आता है, सॉरी USB वाला आता है, तो आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो USB में अगर आप लोगों को चलाना है तो। तो ये थी आपकी SSDs की एंड एनक्लोजर की डील। आपकी जो नेक्स्ट, हाँ तो भैया जो आपकी जो नेक्स्ट जो कुछ डील्स होने वाली है, वो आपकी मिसलेनियस डील्स होने वाली है, बट उनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डील्स मिल रहे हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक, ये है Amazon Basics का डुअल मॉनिटर आर्म स्टैंड। मैं इसी मॉनिटर को यूज कर रहा हूँ, एक 32 इंच के मॉनिटर पे और एक 24 इंच के मॉनिटर पे। एंड मतलब हाँ ठीक है, इसके अंदर 32 इंच का मॉनिटर नहीं लगाना चाहिए, 27 इंच मैक्स सपोर्टेड है, बट मेरा मॉनिटर फिर भी इसके अंदर अच्छे खासा स्टैंड हो जा रहा है। मतलब 1900 रुपीज़ का मिल रहा है, बढ़िया है। मैंने इसको अराउंड 2500 या तो 3000 के बीच में मैंने इसको खरीदा था, डील बढ़िया है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो ओनली 1900 रुपीज़ में। एंड भाई अगर मॉनिटर की बात हो ही रही है, तो मैं ये वाला मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इसका पुराना वाला मॉडल, ये नया वाला मॉडल है। इसके अंदर आपको 2K का ही है, 165Hz देखने को मिल रहा है, मेरा 144Hz है, इसके अंदर आपको 165Hz देखने को मिल रहा है। तो यही है, VA पैनल है इसके अंदर, बढ़िया मॉनिटर, जरूर से चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों को भाई 32 इंच का मॉनिटर चाहिए। एंड मैं बोलूंगा लोगों को लगता है बड़ा है, बट मॉनिटर
बहुत सही है। एंड जो आपके जो नेक्स्ट डील्स हैं वो बहुत सही हैं। PS5 आपको देखने को मिलेगा, PS5 एंड आपके EA Sports FC के साथ 24 के साथ आपको ये देखने को मिलेगा 4800 रुपीज का। इसके साथ आपको कार्ड डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, तो आपको जरूर से इसको चेकआउट कर सकते हो, बढ़िया है। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब पे कर सकते हो तो PS5 का ये आपका स्पाइडरमैन 2 वाला भी एडिशन आपको देखने को मिलेगा। एंड इन माय ओपिनियन भैया ये जो एडिशन है बहुत सही है, बट ये थोड़ा सा महंगा है क्योंकि इसका एडिशन अलग है और आपको साथ में ये स्पाइडरमैन 2 भी गेम मिलेगी। तो ये 6300 रुपीज का प्री ऑर्डर पे है एंड आपके उसके ऊपर कार्ड डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, तो जरूर से चेकआउट कर सकते हो, सही है मेरे हिसाब से तो। और ये जो डिजाइन है बहुत सही है। इसी के साथ आपको एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के ऊपर भी डील देखने को मिल जाएगी जो आपको 49,000 रुपीज का देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी आपको कार्ड डिस्काउंट एंड ऑल सब कुछ देखने को मिल जाएगा, तो ये आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। एक्सबॉक्स सीरीज एक्स प्लेन एंड सिंपल है, एक्सबॉक्स गेम पास के साथ मस्त चलता है। अगर आप लोगों को भाई प्ले स्टेशन 5 नहीं चाहिए तो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स की तरफ जा सकते हो। बट यार काइंड ऑफ यार इसका डिजाइन ना बहुत कूल लग रहा है, तो थोड़ा सा इसकी तरफ मैं टिल्ट हूं लोगों को रेकमेंड करने के लिए क्योंकि सही लग रहा है ये। बट ऐसा अगर किसी को एक्सबॉक्स चाहिए तो जरूर इसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड भाई देखो जो नेक्स्ट जो मैं डील बताने वाला हूं ना, ये जो मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये मेरे बहुत काम आता है। ये है मेरा वाईफाई राउटर का UPS, राउटर UPS है ये। आपको ओनली 900 रुपीज की देखने को मिलेगी। मेरा इसके पास थोड़ा पुराना वाला वेरिएंट है, रेजोनेट करके पुराना वाला वेरिएंट है, सेम चीज है ये भी, उससे भी सस्ता में मिल रहा है 900 रुपीज का। इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो, इसने मेरा बहुत ज्यादा मतलब लाइफ सेवर है मेरे लिए। तो ये कभी कभार लाइट चली जाती है या कुछ भी हो जाता है तो ये भाई 4 घंटे तक की बैटरी बैकअप दे देता है, तो जरूर से चेकआउट कर सकते हो, सही चीज है ये। एंड आपको जो नेक्स्ट जो मैं डील बोलूंगा ये है आपके क्रिएटिव के पेबल V2। किसी को स्पीकर चाहिए तो छोटे छोटे एंड इसकी लाउडनेस बहुत सही है, 2500 रुपीज की देखने को मिल रही है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। क्रिएटिव के पेबल V2 एंड क्रिएटिव बढ़िया कंपनी है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। एंड आपको जो सेकंड लास्ट जो डील होने वाली है ये एक माउस पैड है एंड मैं इसको यूज किया है, तगड़ा माउस पैड है ये, स्पिन बोर्ड की तरफ से आता है, 5mm की थिकनेस है एंड एक्स्ट्रा लार्ज का इसका साइज है इसका, 778 रुपीज की आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही सही डील है ये, तो उसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो। वाला मोटा अच्छा खासा माउस पैड है ये, जरूर से चेकआउट कर सकते हो, स्पीड टाइप है ये। एंड आपकी जो लास्ट डील है ये एनीमे देखने वालों के लिए बहुत सही डील है ये, अगर आप लोग मांगा भी पढ़ते हो तो मेरे को ना यार ये कुछ पोस्टर्स देखने को मिले हैं 300 GSM के मोटे पेपर है ये, मैंने भी इसको ऑर्डर किया है, बढ़िया लगे मेरे को यार ये 30 पोस्टर है ये। आई नो देखो ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसकी क्वालिटी एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं बोलूंगा, अच्छी है। एंड इसके अंदर 30 पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार 30 में से आपको 30 अच्छे लगेंगे, मे बी आपको कुछ ना अच्छा लगे तो, बट फिर भी अगर आपको 15 या 20 भी अच्छे देखने को मिल जाते जो कि मैंने ऑर्डर करे हैं, मुझे बहुत सही लगे, अभी तक लगाए वगाए कुछ नहीं है, मैं लगाऊंगा आराम से इसको, बट यस मेरे को बढ़िया डील लगी है, 260 रुपीज की आपको देखने को मिलेगी, वो भी 30, तो जरूर से चेकआउट कर सकते हो, बढ़िया डील है ये। अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी देखने को लिंक मिल जाएगी। तो भाइयों ये थी कुछ आपकी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की डील्स। देखो बहुत सारी डील्स मैंने रेकमेंड नहीं करी होगी या मैंने बताया नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों को कौन सी डील पसंद आई है। अगर जिसकी डील मुझे पसंद आई कमेंट सेक्शन में उसको पिन मिल जाएगा, साथ ही में उसकी जो डील है कम्युनिटी पोस्ट में भी देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप लोगों को अमेजोन से कुछ भी लेना है, मतलब इस डील में से कुछ नहीं लेना, कुछ और भी लेना है, यार मेरी डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट की लिंक मिल जाएगी आपको अमेजोन की, उससे आप लोग कुछ भी लोगे तो चैनल को ही सपोर्ट मिलेगा एंड उसके लिए आपको मैं बहुत बड़ा शुक्रिया कहता हूं। तो बस ये वाली वीडियो यहीं तक थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो भी आपको वीडियो चाहिए होगी मुझे जरूर से कमेंट्स में बता देना। तो बस थैंक यू।